दोस्तों एचआईवी टेस्ट हमें कब कराना चाहिए, यानी एचआईवी विंडो पीरियड के अंदर या एचआईवी पॉजिटिव हो तो भी हमें कब पता चलेगा कि हमारे टेस्ट में हम पॉजिटिव आएंगे या नहीं आएंगे, या कई सालों बाद भी पता चल सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं एक पेशेंट के, जो कई बार लेटेस्ट एक्सपोजर के टाइम पे सोचते हैं या विंडो पीरियड के अंदर सोचते हैं या पॉजिटिव होने के बाद भी कई लोग। तो ये सारे सवाल हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें कब कब टेस्ट कराएं, कौन सा टेस्ट कराएं और कब तक हमें फाइनल पता लगेगा कि हम पॉजिटिव हो सकते हैं या नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकुल शर्मा और मैं आपको सालों से एचआईवी के बारे में समझा रहा हूं, तो इसलिए हमें फॉलो जरूर कर लीजिए जिससे आपको और भी नॉलेज मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको टेस्ट कब कराना चाहिए। जैसे आज एक्सपोजर का दिन आपका आज का मान के चलते हैं, एक दिन हुआ है, तो आप 3 महीने का 45 से 90 डेज का एक विंडो पीरियड टाइम होता है। अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कब जांच कराएं, कब कराएं, कितनी बार कराएं। कोई तो हर हफ्ते कराता रहता है, फिर हमसे पूछता है सर मैंने ये 10 बार करा ली लेकिन पॉजिटिव नहीं आया। तो मैंने पूछा भाई कब कराई, मैंने पिछले महीने में 10 बार करा ली। तो 1 महीने में 10 बार कराने से आप पॉजिटिव आओगे नहीं आओगे कोई नहीं बता सकता कन्फर्म। जैसे कि एक हम रोज़ पेशेंट देखते हैं, कोई पेशेंट 4 महीने में भी आता है, WHO क्या कहता है वो अलग चीज़ है, लेकिन जो धरातल से इंसान जुड़ता है तब उसको पता चलता है कि हकीकत क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हकीकत है कई बार पेशेंट 4th महीने में भी पॉजिटिव आए हुए हैं, कुछ पेशेंट, सभी नहीं होता। ठीक है, कई बार जो वायरस होता है वो क्लिनिकल स्टेज में चला जाता है, तो रेयर चांस होते हैं कि कई सालों बाद भी वो आ जाए। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको डिप्रेशन में नहीं आना है। अगर डिप्रेशन में आओगे तो आपको अगर HIV हो ना हो लेकिन आपको लक्षण आने लग जाते हैं कई बार। ठीक है, अगर आप ऐसे पेशेंट ऐसे व्यक्ति के साथ सेक्स करके आए हैं जिसको आपको डर है HIV होने का, तो उसके लिए आप कंफर्म टेस्ट 4 महीने बाद, मेरे अनुसार बता रहा हूँ, मैं ये कहीं प्रमाणित नहीं है, लिखा हुआ नहीं, ये हमारे नॉलेज हमारे एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूँ कि 4 महीने बाद आप कराइए कंफर्म टेस्ट के लिए। 4th महीने करा सकते हैं, आपको मेडिकल टर्म के अनुसार नहीं बता रहा हूँ, ये हमारे एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूँ, बहुत सारे पेशेंटों के धरातल की चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। 4 महीने बाद आप कंफर्म टेस्ट कराइए, ELISA P24 करा सकते हैं, बेस्ट होगा। या बीच में अगर आपको देखना है कि हमारे अंदर वायरस गया नहीं है तो CD4 का भी आप टेस्ट करा सकते हैं। ठीक है, आप 3-4 महीने बाद जब भी आप टेस्ट कराओगे उसमें अगर आप नेगेटिव आ जाते हो, CD4 भी आपका सही है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और बाकी आपको इसके बारे में आप जांच करा ली है और नॉलेज चाहिए मेरे को, तो इस चीज़ के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे अपनी रिपोर्ट डाल सकते हैं, छोटी सी कंसल्टेंसी फीस होती है वो देकर आप अपन डिटेल में बात कर सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव आ चुके हो